रात के समय में फैले हुए सितारों को देखने का अपना एक अलग ही अनुभव होता है। इस अनुभव को मनुष्य ने पृथ्वी पर पहली बार अपने जन्म के समय से ही महसूस किया है। यह हजारों सालों से चली आ रही एक श्रृंखला है जो अभी तक टूटी नहीं है। आज की इस आधुनिकता की दौड़ में भी जब थका हारा इंसान रात के समय अंधेरे आकाश में दूर दूर तक फैले हुए सितारों से भरे इस आकाश को देखता है तो उसे अपने आप में एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। उसे इसमें अलग ही आनंद महसूस होता है और उसकी थकान और उसकी निराशा दूर दूर तक फैले इस असीमित से लगने वाले आकाश में कहीं खोसी जाती है। लेकिन जितना यह आकाश एक सामान्य से मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है उससे कहीं ज्यादा यह वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करता है। लेकिन दोनों के ही मन में एक सवाल हमेशा इस आकाश को देखते समय आता है कि जब इस आकाश में सूरज से भी बड़े बड़े खरबों स्टार्स मौजूद हैं, अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, रंग बिरंगे नेबुलाज बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो फिर यह आकाश हमें काला क्यों दिखाई देता है। पृथ्वी के किसी भी पॉइंट से खड़े होकर आकाश को निहारने पर एक बार में हम 4500 से भी कम तारे ही देख सकते हैं, जबकि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही करीब 100 बिलियन तारे मौजूद हैं। तो वहीं दूर दूर तक फैले इस ब्रह्मांड में 170 बिलियन से भी अधिक आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर आकाशगंगाएं हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से काफी दूर हैं और काफी विशाल भी हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी इस आकाशगंगा में खरबों तारे मौजूद हैं और हर एक तारा अपने आप में एक रेडिएशन मशीन है जिससे निकलने वाला प्रकाश अंतरिक्ष में लाखों मील दूर तक प्रकाश को बड़ी ही आसानी से फैला सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा यह ब्रह्मांड अनंत दूरी तक फैला हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है, इस कारण से देखने पर ये हमें काला दिखाई देता है। सबसे पहले तो हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारा यह ब्रह्मांड अनंत है या नहीं। इसकी विशालता का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों को बड़ी बड़ी शक्तिशाली दूरबीनों से देखने का सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में काफी दूर तक यानी समय में काफी पीछे तक देखने में सफलता भी मिली। हमारे पास मौजूद शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम इस ब्रह्मांड में सिर्फ 40 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक ही देख सकते हैं। 40 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी के बाद इस ब्रह्मांड में क्या है इसे हम नहीं देख पाते। 40 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी के बाद मौजूद अंतरिक्ष में प्रकाश स्रोत से निकली लाइट को हम तक पहुंचने का अभी तक पर्याप्त समय नहीं मिला है, इसलिए हमें वह क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में डूबा दिखाई देता है। ऐसे ही इस दिखाई देने वाले अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट को जब शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से देखा जाता है तो उन ब्लैक स्पॉट से आने वाली लाइट से हमें बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि बहुत छोटे से ब्लैक स्पॉट में भी हमें बड़ी संख्या में आकाशगंगाएं और बड़ी संख्या में तारे मिलते हैं जो कि हमें पूरी तरह से चौंका देते हैं। इसे समझना हमारे लिए काफी मुश्किल सा है। तो वहीं अंतरिक्ष की दूरियां बहुत ज्यादा हैं और लगभग अकल्पनीय सी महसूस होती हैं। इन्हीं अकल्पनीय दूरियों के कारण ही हमें यह ब्रह्मांड अनंत सा महसूस होता है। लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि हमारा यह ब्रह्मांड सच में इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि यदि हम इस ब्रह्मांड के किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके उस हिस्से को लगातार देखते रहें तो एक समय के बाद हमारा सामना एक प्रकाश स्रोत से होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जब हम 40 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी के बाद किसी भी जगह पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं तो भी हमारा सामना किसी भी प्रकाश स्रोत से नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा यह ब्रह्मांड अनंत नहीं है। इसके बाद कई वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि हमारा यह ब्रह्मांड अनंत नहीं है। इसके अलावा बिग बैंग की घटना, ब्रह्मांड के तेजी से होते विस्तार और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसी अवधारणाओं ने इसे पूरी तरह से नॉन इन्फिनिटी यूनिवर्स प्रूव कर दिया है। यदि यह ब्रह्मांड अनंत होता तो हमें तारों के बीच के ब्लैक स्पॉट तारों और आकाशगंगाओं से भरे नजर नहीं आते जैसे कि अभी आते हैं। यदि यह ब्रह्मांड अनंत होता तो हमारे यह आकाश रात के समय आज की तरह अंधेरे में डूबा दिखाई नहीं देता बल्कि यह रात में चमकदार दिखाई देता, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी परिकल्पना करना बड़ा ही कठिन काम है कि वास्तव में यह कितना बड़ा है और कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यह ब्रह्मांड एक एटम की तरह है, यानी यदि यह माना जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज एक एटम में समाई हुई है तो इसका मतलब है कि इसका करीब 99.99999% हिस्सा पूरी तरह से खाली है,
जिसका मतलब है कि सिर्फ 0.00001% हिस्से में इस ब्रह्मांड की सभी तारे, आकाशगंगाएं और हर एक चमकती चीज मौजूद है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद लगभग हर जगह प्रकाश की अनुपस्थिति है और इस कारण से हमें यह आकाश काला दिखाई देता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि आकाश का काला दिखाई देने का कारण इसका अनंत विस्तार का होना नहीं है, बल्कि इसका कारण है कि यह ब्रह्मांड नॉन इन्फिनिटी है। इसकी अधिकतर जगह पूरी तरह से खाली और प्रकाशहीन है। इस कारण से आउटर स्पेस हमें पूरी तरह से अंधेरे की एक बहुत ही गहरी गुफा से दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड के जिस रूप को देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड तो इसके परे मौजूद है। बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आए इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज प्रकाश की गति से भी तेज फैली थी और सेकंड के कई अरबे हिस्से में यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। इसके बाद भी इसके फैलने की स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं लगा और यह ब्रह्मांड बिग बैंग की घटना के बाद से आज तक लगातार फैलता ही जा रहा है। हर ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि स्पेस का फैलाव भी तेजी से हो रहा है, जिसका एक ही अर्थ है कि इस ब्रह्मांड का जो अंतिम छोर है वो भी हमसे बहुत तेजी से या फिर कहें कि प्रकाश की गति से दूर होता जा रहा है। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि आने वाले अरबों साल बाद हमारा आकाश आज के मुकाबले ज्यादा काला दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव आंख की एक सीमा होती है और इसी सीमा के चलते हमारी आंखें इस ब्रह्मांड के सबसे दूर के किनारे को देख पाने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष का डार्क ब्लैक दिखाई देने में हमारी आंखों की लिमिट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मनुष्य की आंखें दृश्यमान स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ के प्रकाश को ही देख सकती हैं। इससे कम और इससे ज्यादा वेवलेंथ के प्रकाश को देख पाना हमारी आंखों के लिए संभव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दृश्यमान स्पेक्ट्रम एक बहुत ही छोटी सी जगह है जो एक तरफ गामा किरणों, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट किरणों से घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यह इंफ्रारेड, रडार, माइक्रोवेव और रेडियो वेव से घिरी हुई है। दृश्यमान बैंड के अलावा भी दूसरे बैंड के रेडिएशन भी इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और उन रेडिएशन को बिना सेंसर की मदद से ऑब्जर्व कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि शुरुआत में बिग बैंग की घटना के समय द्रव्यमान लगभग अनंत घनत्व और लगभग अनंत तापमान की स्थिति में मौजूद रहा होगा। बिग बैंग के बाद यह द्रव्यमान तेजी से बाहर की तरफ फैला। शुरुआती ब्रह्मांड की स्थिति ये थी कि उस समय यह पूरी तरह से अस्थिर था और यह इतना ज्यादा अस्थिर था कि परमाणु का भी जन्म नहीं हो सकता था। इस समय फैली रेडिएशन, एनर्जी, हीट पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैली होगी और उसे आज भी हमारे आसपास मौजूद होना चाहिए। एक रिसर्च से पता चला कि उस समय की रेडिएशन का अधिकांश हिस्सा पिछले 13.8 बिलियन सालों में ठंडा हो चुका है। लेकिन ये कहना कि पूरा ही ठंडा हो चुका है बेवकूफी होगी, क्योंकि इस रेडिएशन का भले ही अधिकांश हिस्सा ठंडा हो चुका हो लेकिन अभी भी इसकी मौजूदगी इस ब्रह्मांड में है। वैज्ञानिकों ने जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज की तो उन्हें उसमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई दी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चमक बिग बैंग के बाद की चमक है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग समान रूप से फैली हुई है। ये रेडिएशन बहुत ही कम एनर्जी को रिलीज करते हुए ठंडा होता है और इस कारण से यह प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्हें हम विशेष प्रकार के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। तब इस ब्रह्मांड का नजारा पूरी तरह से अलग होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारी आंखें इस आकाश में मौजूद हर तरह की रेडिएशन को दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरह देखने में सक्षम होती तो हमें यह आकाश अनंत रूप से प्रकाशित दिखाई देता। लेकिन हमारी सौरमंडल में मौजूद हमारी जीवनदायिनी शक्ति का बड़ा भंडार हमारे यह सूर्य हमारी आंखों की लिमिटेशन के लिए जिम्मेदार है। हमारे सूर्य के प्रकाश के कारण हमारी आंखें इस ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार के स्पेक्ट्रम के प्रकाश क्षेत्र को ही बड़ी आसानी से देख पाने में सक्षम है। यह हमारे सूर्य के प्रकाश का ही कमाल है कि हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद दृश्यमान स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से को ही देख सकती हैं। इससे पहले और इसके बाद की सीमा के प्रकाश को देख पाना हमारी आंखों के लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे यह अंतरिक्ष जो हमें अनंत काले रंग के प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है, दरअसल यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद काले धब्बों में भी बड़ी संख्या में तारे और आकाशगंगाएं मौजूद हैं। वे हमें सिर्फ इसलिए दिखाई नहीं देती
क्योंकि एक तो हमारी आंखों की सेंसेशन पावर बहुत ही सीमित है और यह एक विशेष बैंड की लाइट को ही बड़ी आसानी से देख सकती है। दूसरा कारण है कि हम तक करीब 40 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक का ही प्रकाश पहुंच पाता है और इस डिस्टेंस के बाद मौजूद अंतरिक्ष से आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचा ही नहीं। इस कारण से हमें यह अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। तो वहीं यदि हमारी आंखें हर तरह की बैंड लाइट को देख पाती तो हमारे लिए आज काला दिखाई देने वाला यह आकाश अनंत प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारे यह ब्रह्मांड एक एटम जैसा ही है। इस कारण से इस ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट इसके कुल क्षेत्र में से सिर्फ 0.00001% भाग को ही कवर करता है, जिसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड का लगभग 99.999999% भाग पूरी तरह से खाली है, यानी निर्वात है, और वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हमारी आंखों की लिमिटेशन अंतरिक्ष के बहुत ज्यादा फैलाव, अभी भी बहुत तेजी से होते फैलाव और इसके अधिकांश भाग के निर्वात और प्रकाश रहित होने के कारण यह आउटर स्पेस हमें पूरी तरह से एक अंधेरे का साम्राज्य नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।